स्टूडेंट्स क्लास फोर फ्रॉम फर्स्ट कल हमने इंट्रोडक्शन फाइव डिजिट का किया था, आज उसी को हम आगे लेके चलेंगे। किसको? फाइव डिजिट को। अब फाइव डिजिट है, अब इसमें कितनी डिजिट दे रखी है? फोर डिजिट। अब इसको फाइव डिजिट बनाने के लिए क्या करना है? 9991 प्लस वन को एड करेंगे। किसको करेंगे? वन को एड करेंगे, तब क्या बन जाएगा? सबसे छोटी स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट बनेगी, द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर कौन सी हो जाएगी? 10,000। क्या हो जाएगी? 10,000। द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर इज 10,000 एंड इट इज रीड एज, अब ये कह रहा है इसको हम कैसे रीड करेंगे? इसको ऐसे ही रीड करेंगे, 10,000। कितनी डिजिट होगी तब? 10,000 होगा फाइव डिजिट। फाइव डिजिट कैसे बनेगी? 9,999 में क्या करेंगे? एड करेंगे वन को, तो क्या बनेगा? 10,000। नेक्स्ट देखो, जैसे ये टेबल है, 10,000 दे रखा है, 10,000 में किसको ऐड करेंगे? वन को, तो क्या बन जाएगा? 10,001। 10,001 के अंदर हम किसको ऐड करेंगे? वन को और ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा? 10,002। 10,002 यहाँ आ गया, ये भी आ गया। 10,002 में किसको ऐड करेंगे? वन को। वन को ऐड किया तो 10,003। 10,003 के अंदर वन को ऐड करेंगे तो 10,004। हाँ, अब आगे चलो, अब देखो एक्सरसाइज वन हमने आपको पहला एक सवाल इसका करवाया था, रीड द नंबर नेम एंड राइट द डिजिट ऑफ नंबर्स। अब देखो 49,000 हमने आपको कल करवा चुके थे, एक बार इसको फिर से रिवाइज करवा रहे। 49,327 ये दे रखा है यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे? 49,000, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 49,000 कितने आने? 300, तो यहाँ 100 में क्या आएगा? 3। अब पीछे क्या दे रखा है? 27, तो यहाँ आ जाएगा 27। मैंने आपको पहले बताया कि पहले की दो डिजिट और पीछे की दो डिजिट दोनों को साथ में बोलना, और बीच वाली संख्या 100 की वो 100 सिंगल की रहेगा। जैसे देखो अब यहाँ दे रखा है 49,000, तो ये लिख दिया हमने 49,000। अब कितना लिखा है? 300, हमने इसको लिखा 300। अब क्या लिखा है? 27। अब ये जो डिजिट है 49 को एक साथ बोलेंगे और 27 को एक साथ बोलेंगे, तो 49,327 इस तरह से हम इस डिजिट को लिखेंगे। इसी तरह दूसरा सवाल है 71,268। अब बताओ 71 को कहाँ लिखेंगे? 1000 में, 1000 और 10,000 में, ये तो गया 71, ये 71। अब क्या दिया? 1000 हो गया, 200 तो हम यहाँ लिख देंगे 200। अब कौन सी डिजिट देंगे? 68, तो यहाँ लिख देंगे 68। 71,268 इन दोनों को साथ में बोलेंगे, इन दोनों को साथ में बोलेंगे, इसको सिंगल ही रखेंगे। दिख रहा है आपको? आगे यहां तक ये हमने आपको कल भी करवाया था। अब अपना देखो नेक्स्ट सवाल, यहां से स्टार्ट, ये यहां तक हमने करवा दिया आपको। अब देखो राइट द नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां हम दे रखे, हमें क्या करना है? इसकी डिजिट यहां पर लिखनी है 44,009। अब यहां से ये तो मैंने आपको पहले बताया, अब जो नेक्स्ट सवाल जो मैं आपको करवा रही हूं बी से स्टार्ट करवा रही हूं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर बी 44,009, क्या ये 44,009। अब 44,009 को कैसे लिखेंगे? पहले 44 ये लिखते हैं, 44। अब बोला 1000, 44,009 कितनी डिजिट आनी चाहिए? फाइव डिजिट। अब देखो फाइव डिजिट आ गई वहां पर, सही है गलत है बताओ? ठीक है,
44,009। अब देखो 65,080, क्या बोला 65, तो हम यह पहले लिखेंगे 65, क्या बोला 1000, तो हमने यह देखा 1000 जीरो आ गया। अब बोला 80, तो 8080। फाइव फिगर आना जरूरी तभी अपने को पता चलेगा ये 10,000 की डिजिट है। 27,001, क्या बोला 27, तो पहले लिखेंगे 27। अब देखो ये सही है, क्यों, कौन सी है ये 1000 की, अपने किसकी बनानी 10,000 की, 10,000 के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर एक जीरो लगा के इसको वन करेंगे, तो 27,001। फिर 68,693। अब इसमें क्या करना 68, इन दोनों डिजिट को साथ में लिखना है 68, तो हमने यहाँ लिख दिया 68। अब 100 कितना कह रहा है ये 600, क्या कह रहा है ये 600, हम इसका 6 लिख देंगे 6। अब इन दो डिजिट को साथ में लिखना 93, तो 93। आगे समझ में आता है। अब नेक्स्ट देखो, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब ये दे रखा है डिजिट, हमें दे रखी है, तो हमें इसका क्या करना है नंबर्स नेम लिखना है। अब इसको कैसे रीड करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, तो इन दोनों को साथ में बोलेंगे, तो ये क्या 2020, तो 2020,000, ये क्या हो गया 100, और वंस और टेंस को दोनों को साथ में बोलेंगे 37, तो 20TWENTY 20,000, THOUSANDY, क्या हो गया 20,000। अब क्या गया 900, NINE 900, HUNDRED, हो गया 900। अब कौन सा पीछे, दोनों डिजिट को साथ में बोलना है 37, THIRTYSEVEN 37। इसी तरह आपको ये सारी डिजिट करनी है, ठीक है, ये दोनों तरह हम आपको अच्छा ओके। चलो एक और करवा देते हूँ, ये दे रखा है 3046, क्या दे रखा है 3000 बोला गया, ये मैंने ये दे रखा है 30,046, तो अब ये कितना है 30, क्या है 30, तो पहले 30 की स्पेलिंग लिखेंगे THIRTY, 30 क्या बोलेंगे 1000, THOUSAND, 30,000। अब देखो 100 में कोई भी डिजिट नहीं है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, इसके बाद में डायरेक्ट कौन सी दे रखी है 46, तो 40 FORTY, 40 SIX, 30,046। आगे सबको समझ में, दोबारा बताने की जरूरत है ओके। ये हमने पेज नंबर 61, ये सिर्फ बता रही हूं ठीक है ना, एक बार प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया, एक्सपेंडेड फॉर्म में आती है, शॉर्ट फॉर्म में भी आती है, शॉर्ट फॉर्म जो एक्सपेंडेड होगी उसको शॉर्ट करनी है, जो शॉर्ट है उसको एक्सपेंडेड करनी है। अब है फेस वैल्यू, अब देखो द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट डिपेंड्स ऑन इट पोजिशन प्लेस इन द नंबर, every digit has a place, right 5 digit number। अब देखो इसके अंदर हमें अपनी जो पोजीशन है, जैसे आज तुम लोग आज इस सीट पर बैठे, इस सीट से उठ के अगली सीट पर चले गए, तो आपकी तो पोजीशन चेंज हो गई कि आप कैसे बैठे हो। इसी तरह देखो यहाँ पे 5 digit दे रखी है, कौन सी 36,218। अब देखो ये जो 36,218 इन द प्लेस वैल्यू टेबल,
अब देखो ये जो टेबल दे रखी है, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, अभी मैंने आपको बताया, रिटन इन फिंगर्स विच एक्चुअली मीन्स 36,200 1 tens + 8 ones. अब क्या करा इसने, 36,000 दे दिया, 200 बोल दिया, लेकिन 1 tens और 8 ones को दोनों को एक साथ बोलेंगे तो क्या बन जाएगा, 88. अभी बताया ना 2 digit पहले की और 2 digit बाद की, उन दोनों को क्या करना है, साथ में बोलना है. अब देखो अभी जो दे रखा है प्लेस नेम दे रखा है, ये हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 सबसे छोटी कौन सी आई, 10,000 सबसे बड़ी, सॉरी, ठीक है, सबसे बड़ी आ गई. अब देखो ये जो 10,000 है और यहाँ पे दे रखा है 36, तो पहले ये 36,000 है, 36,000 पहले जो 3 है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30,000. फिर है 6, 10 ये 30,000 हो गया. अब है 6,000 को क्या करेंगे, 100 से 6,000 को 6 से क्या करेंगे, 100 को किससे करेंगे, हेलो, देखो अभी मैंने आपको यहाँ बताया था 100, जबकि ये 100 नहीं है, ये क्या है, 1,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6,000. अब देखो इधर वापस, ये क्या है, 10,000 ये रहा 10,000 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, 30,000. फिर 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1,000 से, कितने 1,000 से, 1,000 से, 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6,000. अब देखो यहाँ दे रखा है 100, यहाँ पे क्या दे रखा है, 100 में कितनी डिजिट होती है, 3, 1, 0, 0, ये हो गया 100. अब 100 को कितना, 200 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 200. अब ये टेंस में कितनी डिजिट होती है, 2 digit होती है, 1, 0, 10 सबसे छोटी डिजिट होती है. अब 1, 0, 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जा 10, तो वापस क्या आ गया इसका, 10. अब देखो यहाँ पे वंस क्या दे रखा है यहाँ पर, 8, ठीक है, तो सबसे छोटी होगी वंस की 0, तो यहाँ 1 दे रखा है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा. आगे यहाँ पे यहाँ तक समझ में सबको, ठीक है. अब देखो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये हमने आपको फेस वैल्यू की जो टेबल, प्लेस वैल्यू की हमने क्या करवा दी है, टेबल समझा दी अच्छे से. अब देखो फेस वैल्यू, मैं आपको सिर्फ इसका डेमो दे रही हूँ, फेस वैल्यू क्या होती है. फेस वैल्यू जैसे हम मिरर के अंदर देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, तो हमें कौन दिखाई देता है, हम ही दिखाई देंगे. इसी तरह जो भी डिजिट होगी उस डिजिट को हम जैसा देखेंगे उसको वैसा ही लिखना है, ये होती है फेस वैल्यू. आज ये वीडियो हम यहीं पे छोड़ते हैं, कल हम आपको वापस फेस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.